लेकिन कमलनाथ सरकार के खिलाफ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विद्रोह किया तो मुन्ना लाल गोयल ने भी इस्तीफा दे दिया। 2020 में हुए उपचुनाव में गोयल इसी इलाके से बीजेपी के टिकट पर लड़े लेकिन कांग्रेस के सतीश सिकरवार से हार गए। हालांकि इसके बावजूद उन्हें राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देव, अब ये विरोध के सुर काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और ये सिर्फ अकेले ग्वालियर नहीं, कई अलग अलग जगहों पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार की जो तस्वीर सामने आ रही है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मान मनवल के लिए पहुंचे हैं, आखिर कैसी स्थिति हो सकती है आने वाले समय में बीजेपी में? बिल्कुल अश्विता जी, ये जो मैटर है वो बाकी जगह विरोध हो रहा है उससे थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें टिकट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक का कटा है और टिकट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर मिला है। ये उनकी रिलेटिव हैं माया सिंह जिनको टिकट दिया गया है। मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों का ये कहना है, जैसा कि आप अपन दिखा भी रहे हैं उसमें बोल भी रहे हैं कि हमारे मुन्ना लाल गोयल जी ने आपका हर 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 अच्छे बुरे में साथ दिया और अपना कैरियर तक दांव पे लगा दिया और अब उनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है और हम ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उन सबके बीच आए, महल का गेट खोल के आए, बैठे भी वहां उनके गनमैन के साथ, भीड़ में गुस्से में थी तो उसके साथ जुमा झटकी भी की और उन्होंने समझाने की कोशिश भी की कि दो बार हमने टिकट दिलवाया, अब पिछला चुनाव नहीं हार पाए इसलिए टिकट बदलना पड़ा। लेकिन जो मुन्ना लाल गोयल के समर्थक थे उन्होंने साफ कह दिया कि अगर इस पर पुनर्विचार नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी को वहां खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने सीट कांग्रेस को एक थाली में रख के सजा के दे दी है। तो ये मामला यहाँ खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि मुन्ना लाल गोयल भी बहुत जमीनी स्तर के नेता हैं, उपचुनाव भले ही हार गए हैं उनकी भी एक बड़ी पकड़ है और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है, पार्षद रह चुके, उनकी पत्नी पार्षद रह चुकी, ये दो तीन चुनाव विधानसभा के लड़ चुके हैं, एमएलए पिछली बार 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे और उन्होंने इन्हीं सतीश सिंह सिकरवार को हराया था जो बाद में उपचुनाव में जीतकर कांग्रेस से विधायक बन गए। तो अब उनके समर्थकों में गुस्सा है और अब ये सिंधिया जी के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ी चुनौती है। और अब क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव को कंपेयर करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, फिर बाद में ये बगावत हुई, बगावत में इन्होंने साथ दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लेकिन अब उसके बाद जीत नहीं मिल रही है, टिकट नहीं मिल रही है और अब क्योंकि इस तरह की स्थिति सामने आ रही है, क्या आने वाले समय में फिर से दल बदल का दौर देखने को मिल सकता है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से भरोसा उठ सकता है उन तमाम लोगों का? हाँ बिल्कुल, देखो सिंधिया के समर्थकों में से अभी 5 के टिकट कट चुके हैं। यहाँ दिल्ली में टिकट कटा जो गिरिराज दंडोतिया, वो भी एमएलए थे और कमलनाथ की सरकार गिराते समय उन्होंने इस्तीफा दिया था, उपचुनाव हारे थे और उनकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिल गया है। इसी प्रकार से भिंड में इनके समर्थक थे ओपीएस भदौरिया, विधायक थे, 2018 में कांग्रेस से चुने गए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, फिर उपचुनाव लड़ा, उपचुनाव में जीते और अभी वो मंत्री हैं लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। इसी प्रकार से मुन्ना लाल गोयल का टिकट काटा गया है, ये हार गए थे। लेकिन दतिया में भाडेर सीट से रक्षा सिरोनिया जो विधायक हैं अभी भी, उपचुनाव में भी जीती थी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। इसी प्रकार से करेरा में जसवंत जाटव जो इनके साथ चले गए थे, कांग्रेस के विधायक थे, उनको भी टिकट नहीं मिल पाया। तो इस तरह से 5 टिकट संभाग में कटे हैं। अब ये लोग चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बाई बॉर्ड कार्यकर्ता नहीं है तो दल बदल भले ही घोषित हो ना हो लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत पैदा करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है और जिस तरह से इस बार जी जान लगाने में बीजेपी जुटी हुई है, कहीं ना कहीं ये जो स्थिति पैदा हो रही है यही सबसे बड़ी कमी यहाँ पर साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।